वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, पार्क एंड हैप्पी आज की तरफ से वेलकम आप सबका। और उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आज का जो हमारा व्लॉग है, ये व्लॉग मैं कढ़ाई गोश्त बनाने लगा था, अज़रबैजान की डिश, तो मैंने कहा चलो साथ रिकॉर्डिंग करके आप सारों के साथ भी शेयर कर दूं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह साथ साथ आपको शेयर करता हूं। और साथ एक दो अच्छी खबरें मेरे पास आई थी, मैंने कहा चलो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। वो भी एक तो ख़बर ये थी कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अज़रबैजान का वीज़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह कोरोना की यहाँ पे केसेस बहुत कम हो गए, तो उस लिहाज से है। और दूसरा तुर्की के लिहाज से है। मगर उससे पहले ठहरिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो से आप इस्तेफादा हो सकें। तो इसी के साथ अच्छी खबर ये है कि अज़रबैजान का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे फ्री होने जा रहा है। जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस वीक में इसकी जो है वो आउटपुट निकल आएगी इंशाल्लाह कि वीज़ा फ्री हो रहा है। और तुर्की का भी वीज़ा हमारा 30 दिन का फ्री हो रहा है, पाकिस्तान का इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह फ्री है हमारा वीज़ा तुर्की के लिए। अज़रबैजान के लिए 60 डे का और तुर्की के लिए 30 दिन का हमारा वीज़ा फ्री हो रहा है। और इंशाल्लाह ये अच्छी खबर है पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब हम दुबई या सऊदीया के बजाय अब पाकिस्तानी तुर्की जा के भी अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि तुर्की में भी इतनी इनकम है कि आप दुबई और सऊदीया के मुताबिक काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे ऐसे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो वहाँ पर तुर्की में रहश पज़ीर हैं और वो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 50,000-60,000 इससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं। बहरहाल वो मैं इंशाल्लाह एक दिन वो भी व्लॉग बना के आपको शेयर करूँगा। और फ़िलहाल चलते हैं मेरी कुकिंग की तरफ, और एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो है इसे ज़रूर देखिएगा। और इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा, अगर लाइक अच्छी लगी तो लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने किचन की तरफ। मेरा डाइट फूड बंद के अंदर मैं जानना था, मेहरबान हो रोज लैके आता हूँ। अच्छा हाँ हाँ आप लैके गए ठीक है, आप भी कभी दर्शन करना ठीक है ना, समझ रहे ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा खाना बहुत अच्छा लगा होगा जैसे मैंने बनाया, और मैंने शार्ट शार्ट साथ साथ वीडियो बनाता रहा हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और ज़रूर भी घर पे ये ट्राई कीजिएगा क्योंकि बड़ी अच्छी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ और नेक्स्ट व्लॉग के साथ। यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, मेरी दुआ में आप हमेशा हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इसी के साथ अल्लाह हामी व नासिर, खुदा हाफिज़।